आप सभी का फिर से ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हमारा मैथ्स का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे इस प्रॉपर्टी को, मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा इसमें कैसे इसका यूज करना है आपको। तो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी को लेकर, इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट। लेट ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, करेक्ट? कैसे आप इसको बताएंगे? देखिए इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। मैं इन जनरल एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स को, और सी आई जे इको फैक्टर, को फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? तो देखिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू होता है कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर। जैसे फर्स्ट रो हम कहेंगे तो इसका एलिमेंट हो गया ए वन वन और इसका कोफैक्टर हो गया सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री और सी वन थ्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखिए हमने यहाँ कोफैक्टर का यूज कर लिया, या और आप किसी कॉलम में भी यूज कर सकते हैं इसको। डिटरमिनेंट ए, सपोज एट फर्स्ट कॉलम ए वन वन सी वन वन प्लस ए टू वन सी टू वन ए थ्री वन सी थ्री वन। इस तरह से आप किसी भी रो और कॉलम से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन वेरी इंपॉर्टेंट। Now the next property, again important, listen carefully. Let Aij be a square matrix of order n, then the sum of product of elements of any row or column with cofactors of the corresponding elements of some other row or column is zero. Okay, what is the meaning of this one? In this language ka meaning hai ki hum is determinant ki jo value nikale, डिटरमिनेंट की वैल्यू ए इस कंडीशन में जीरो होगी। कब? जब किसी रो के एलिमेंट्स, किसी रो के एलिमेंट्स जैसे हमने कहा ए वन वन और उसके करस्पॉन्डिंग रोज के कोफैक्टर्स जैसे सेकंड रो और थर्ड रो, तो हम सेकंड रो के क्या ले लेंगे? कोफैक्टर्स ले लेंगे। हमने कहा सी टू वन प्लस ए वन टू कोफैक्टर सी टू टू ए वन थ्री कोफैक्टर सी टू थ्री। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं और सेकंड रो के कोफैक्टर्स लिए सी टू वन सी टू टू एंड सी टू थ्री। इस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, करेक्ट? एनी रो और कॉलम, आप किसी भी रो कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा मीनिंग है इसका, कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो हम देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई करते हैं। सपोज दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज 2 3 1 एंड 2, अब इसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। ट्रांसपोज दिस इज सिंबल ऑफ द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल मीनिंग क्या है? रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट रो 2 3 इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालें। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए
cross multiplication, 2 into 2 minus 1 into 3, 4 minus 3 is 1, correct? तो यहाँ पर आ गया determinant A. अब हम find out करते हैं determinant of transpose of matrix. Transpose of matrix is equal to. तो देखिए हमने इसको transpose किया था, row को column बना दिया था. Cross multiplication करो, 4 minus 3 is again 1. यहां से क्या प्रूफ हो रहा है दैट ये प्रॉपर्टी फुलफिल, करेक्ट? प्रॉपर्टी का एग्जांपल हॉल लिया है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 4 3 2 4 इसका ट्रांसपोज किया है, रो को हमने फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम ट्रांसपोज कर दिया. अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया यहां पर 6 minus 4 is 2. तो यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेगा 6 माइनस 4 इज 2. यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि इसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो ट्रांसपोज है. इसे आल्सो नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ट्रांसपोज मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, करेक्ट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज then the value of determinant changes by minus sign only, correct? देखिए हम example देते हैं इसमें, ये इसका meaning क्या है? For example हमने कोई determinant लेते हैं square matrix 2 3 4 5, okay? Square matrix है, इसके according क्या है? अगर हम इस square matrix का row इन्हीं दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में केवल माइनस का चेंज होगा. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज दैट हम इसको इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं तो 10 माइनस 12 इज माइनस 2, करेक्ट? अब हम इस मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन यूज कर लेते हैं कि आर वन को आर टू में चेंज करेगा इंटरचेंज करने के लिए. देखिए दोनों साइड एरो होना चाहिए, आर वन और आर टू में इंटरचेंज. तो सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास बी मिल गई है तो हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर लेते हैं 4 5 2 3. इन दैट केस इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? हमने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ बी 12 माइनस 10 इज 2. देखिए यहाँ पे चेक करिएगा कि जो डिटरमिनेंट ए है इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी. देखिए एक रो या एनी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर केवल उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में माइनस साइन आ जाता है. दिस इज मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो. आइडेंटिकल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सपोज दैट हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके? आइडेंटिकल का मतलब क्या है? देखिए यहाँ फर्स्ट टू रो एक जैसी है, आइडेंटिकल है. दिस इज मीनिंग ऑफ द आइडेंटिकल. तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? किसी डिटरमिनेंट, अगर हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करें स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसे हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट 1 2 3 1 2 3 4 5 6. अगर आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है. आप एक्सपेंड करके इसको चेक कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट जानते हैं कि सीलिंग, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्स्टेंट k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant. तो हम एक example लेते हैं. Suppose that ये square matrix A है, square matrix A. हम इसका determinant निकाल लेते हैं. The determinant A is 2 into 4, 10 into 1, 8 minus 3, 5. ये एक determinant. अब इस property में क्या कह रहा है? हम इस determinant का determinant के किसी row में जब कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो उसके वैल्यू में भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है.
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी मैट्रिक्स को चेंज कर दिया, सपोज दैट हमने आर वन में टू आर वन कर दिया, पहली रो में टू का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सपोज दैट हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गई है, ये न्यू मैट्रिक्स हमने बी से इंटीग्रेट कर दिया, देखिए आर वन में टू का मल्टीप्लीकेशन, टू फोर एंड टू थ्री एंड फोर, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट, यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद वैल्यू में हम चेक करेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए, 16 माइनस 6 इज 10, इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है हमारे पास, तो दोनों में है जो डिटरमिनेंट बी है इज ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए, यानी ओरिजिनल, देखिए लिखा है ओरिजिनल डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, जो न्यू डिटरमिनेंट मिला था उसकी जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की टू टाइम्स हो गया, क्योंकि हमने टू का मल्टीप्लीकेशन किस में किया है, उसकी फर्स्ट रो में किया है, तो सीधे सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो कई बार इसके क्वेश्चन बन जाते हैं और आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो क्या कर सकते हैं, किसी डिटरमिनेंट का आपको गिवन होगा कि द वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट इज 4 व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इट्स फर्स्ट रो, then obtain new determinant, what is the value, is it just double 4 into 2 is 8, like a question aa sakta hai. jo humne ye fifth property study kiya hai isme ek important conclusion aata hai, dekhiye yahan let aij be the square matrix of order n, then ka is equal to k the raised power n, is the order of the matrix, k is common from each row of k, इसे हमने किसी 3x3 मैट्रिक्स के जितनी भी रोज हैं उन सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो में मल्टीप्लीकेशन किया, लेकिन जब हम उसको कॉमन लेंगे तो हम रो वाइज कॉमन लेंगे, यानी 2 फर्स्ट रो से आएगा, फिर 2 सेकेंड रो से आएगा, 2 थर्ड रो से आएगा, तो आउटसाइड हो जाएगा 8, करेक्ट, तो 8 यहाँ पर k कॉन्स्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द वैल्यू ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट, करेक्ट। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस लैंग्वेज में, अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है और उसकी कोई रो और कॉलम दो टर्म्स का सम है, लेकिन यहाँ पर सम है दो टर्म्स का, तो आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, इट मीन्स आप उसको दो डिटरमिनेंट में एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, C1, C2, C3 प्लस, अब यहाँ आप अल्फा ले सकते हैं, अल्फा A2, A3, बीटा B2, B3, गामा C2 एंड C। देखिए इसमें फर्स्ट रो इज एक्सप्रेस द सम ऑफ टू टर्म्स, तो हमने इसको दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं मैट्रिक्स में, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम काफी यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का, आप ध्यान देंगे इसका मीनिंग क्या है, विद एग्जांपल हम इसको चेक करेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट एंड एडेड टू द करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द सम अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो देखिए ध्यान देंगे एग्जाम्पल पे इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या, सिंपल ये कह रहा है कि अगर हम किसी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करके दूसरी करस्पॉन्डिंग रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग सपोज दैट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, हमने इसका डिटरमिनेंट 8 - 3 = 5, अब इसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस मैट्रिक्स में R1 में कह के
उन करस्पॉन्डिंग रो में किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन करके एड कर देना। तो हमने रो वन में टू का मल्टीप्लीकेशन और आर टू को एड कर, राइट? व्हाट इज द क्लियर मीनिंग ये कि हमने रो वन में एड किया रो टू में टू के मल्टीप्लीकेशन करके, करेक्ट? अब इसको एड करिए। सपोज एक कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी आ गई, देखिए हम आर वन में करेंगे तो आर वन टू आर टू में टू का मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, करेक्ट? देखिए आर वन टू फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन करिए इसमें 6 टू 8, यहाँ पे 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन से 8, 8 प्लस 1 इज 9 एंड सेकेंड टू एज इट, करेक्ट? अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, फेस तो 32 और 27 देखिए यहाँ पर दोनों की वैल्यूज क्या हो गई है, डिटरमिनेंट क्या हो गए हैं, इक्वल आ गए। देखिए इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसका यूज करेंगे आप क्वेश्चंस में। ओके, अब इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखेंगे आप, अगर ऐसा आता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, विदाउट प्रॉपर्टी आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिटरमिनेंट कंसीडर कर दिया। दिस इज सिंबल ऑफ द डिटरमिनेंट ऑल्सो, बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। तो सपोज दैट हमने सी थ्री में, कॉलम सी थ्री में एड करना है सी टू, हमने इन दोनों कॉलम को एड कर दिया। देखिए डिटरमिनेंट क्या बन रही है, 1 1 1, फिर ए बी सी, ठीक है, इन दोनों को एड करना, तो ए प्लस बी प्लस सी, अगेन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए थर्ड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, नाउ टेकिंग कॉमन a plus b plus c taking common, this one, so what is remaining, 1 1 1, a b c, then again 1 1 1, and this one is a plus b plus c, aur dekhi yahan par first column aur third column identical hai। जैसे हमने कहा अगर एनी रो टू रोज ऑन कॉलम आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर जीरो, इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं।